अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमल के दौरान ब्लड ग्रुप क्यों की टेस्ट किया जाता है और ब्लड ग्रुप नेगेटिव का क्या मतलब है। आप सबको पता है कि हमारे जिस्म में खून गर्दिश करता है। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स या RBC होते हैं। इनके बाहर की सतह पर कुछ प्रोटीन के दाने होते हैं। इनसे हमारा ब्लड ग्रुप का तायुन होता है। अहम ब्लड ग्रुप्स AB O एंड AB होते हैं। हर एक पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। हामला औरत का ब्लड ग्रुप मालूम करने के लिए खून का टेस्ट करवाया जाता है। हमल के दौरान ज़रूरी है कि नेगेटिव या पॉजिटिव का पता चले। अगर औरत का नेगेटिव ग्रुप है तो शौहर का ग्रुप करवाया जाता है। अगर शौहर का ग्रुप भी नेगेटिव हो तो फिक्र की बात नहीं, लेकिन अगर शौहर का ग्रुप पॉजिटिव है तो मसला होता है। मसला क्या होता है? हामिला औरत के पेट में पलने वाला बच्चा माँ और बाप की खसूसियात लेता है। इन में ब्लड ग्रुप भी शामिल है। अगर बाप पॉजिटिव है और माँ नेगेटिव है तो बच्चा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर बच्चा पॉजिटिव हो तो वो माँ के खून में अपने पॉजिटिव होने का सिग्नल भेजता है। अगर एक नेगेटिव माँ के खून में पॉजिटिव खून आ जाए तो माँ के रेड सेल होशियार हो जाते हैं और वो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये एंटीबॉडी अगर ज़्यादा मकदार में बन जाएं और ज़्यादा मकदार में बच्चे के खून में शामिल हो जाएं, तो बच्चे का खून पतला होने लगता है। इससे बच्चे के दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर ये हमला या अटैक बहुत शदीद हो तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। इस मुश्किल से बच्चे का बहुत आसान तरीका है। औरत के पहले हमल में ब्लड ग्रुप मालूम कर लें। अगर माँ नेगेटिव और बाप पॉजिटिव है तो ख़ास इंजेक्शंस 7वें महीने में और पैदाइश के बाद माँ को दिए जाते हैं। इसके बाद बच्चे को कोई ख़तरा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। बेल का निशान दबाकर आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात हासिल करें। खुदा हाफिज़।